दोस्तों, आज आपके लिए जो टेक न्यूज निकल के आई लेके आया हूं वो एक ऐसी ऐप से जुड़ी हुई है जिसके माध्यम से आप अपने आधार से लेके आप अपने पैन कार्ड, आप अपने गैस सिलेंडर बुकिंग से लेके सभी काम कर सकेंगे। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी काम की ऐप लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए रोजाना टेक न्यूज वीडियोज इसी तरह की मैं लेके आता रहता हूँ, और बेल आइकन को ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो ऐप की मैं न्यूज लेके आया हूं, चलिए वो शुरू करते तो हैं। दोस्तों, इस ऐप का नाम है उमंग ऐप, जो केंद्र सरकार ने पेश की है, और इस ऐप के जरिए आप पैन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं, और इस ऐप के जरिए आप गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेके आधार के अलावा और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर पे आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि इस ऐप का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद माय पैन सेक्शन में जाना है। माय पैन सेक्शन में जाके आपको वहां पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म 49A को भरना पड़ेगा। इसके अलावा पैन कार्ड की डिटेल्स में अगर कोई आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप माय पैन सेक्शन में जाके CSF फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा आप पैन कार्ड की एप्लीकेशन स्टेटस की भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड बनवाने के लिए भी दी जाने वाली फीस का भुगतान भी इसी ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को दूर संचार मंत्रालय और ई गवर्नेंस डिवीजन ने डेवलप किया है, और इस ऐप के जरिए आप पैन कार्ड बनवाने के अलावा और भी कई काम कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप जो यूजर्स हैं वो सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, और पैन कार्ड बनवाने के अलावा अगर यूजर चाहे तो इस ऐप के जरिए अपने आधार की जानकारी को भी अपडेट कर सकते हैं, और आधार के बारे में लगभग सारी जानकारियां इस ऐप में आपको मिल जाएंगी। वहीं मैं बताना चाहूंगा कि गैस सिलेंडर बुक करने के लिए भी आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसी ऐप के माध्यम से भारत गैस, इंडेन और HP गैस की सभी सिलेंडर्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका कोई पासपोर्ट से जुड़ा काम है तो आप इससे अपना पासपोर्ट से जुड़ा हुआ काम भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐप ऑल इन वन ऐप है। आप इसे ऑल इन वन ऐप कह सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप सभी प्रकार की अपनी ड्राइविंग लाइसेंस से लेके सभी प्रकार की जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और आसानी से उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं, और भी कई काम आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये ऐप की न्यूज़ पसंद आई होगी, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह की यूटिलिटी ऐप जो है वो मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा उनके बारे में न्यूज़। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह की यूटिलिटी ऐप एक UP सरकार ने भी लॉन्च की है जिसे ई निवारण ऐप कहते हैं। इस ऐप के जरिए आप बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो जो भी मेरे यूपी के दर्शक हैं वो इस ई निवारण ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से आप ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करके आप अपने बिजली बिल को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विसेज अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विस ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप अपने बिजली का बिल पेमेंट भी कर पाएंगे और अपने पानी का भी बिल पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बेल बाजू में एक बेल आइकन दिखेगा वो भी मत दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए रोजाना टेक न्यूज़ वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।